पे ब्लड डोनेशन हो रही है वागुरा में, तो इस हवाले से बताइए। मैं हर एक से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है ये लोगों की बेहबूदी के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए। जो इंसान ब्लड देगा, एक इंसान को सोचना चाहिए कि उसके लिवर जो है, लिवर फंक्शन बिल्कुल अच्छी तरह करेगा, उसको फ़ायदा है खुद को। दूसरी तरफ से एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि खून का इत्या देना जायज़ है इस्लामी तौर भी, और हमें नहीं देखना है चाहे आगे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी हो, ये किसी को भी ब्लड लगेगा। मैं इंचार्ज ब्लड बैंक क्लीरी से आपको ये कहना चाहूँगा कि आप आइए, ब्लड दे दीजिए, इसमें फ़ायदा है आपको भी और लोगों को भी फ़ायदा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक क्रीरी का मसला है, क्रीरी में हम बार बार एक कोशिश कर रहे हैं कि क्रीरी डेवलप होना चाहिए, क्रीरी में उतनी फैसिलिटी रहनी चाहिए, एक इंसान को पता होना चाहिए कि क्रीरी में मुझे फैसिलिटी रहेगी। सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आइए आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, जितना हो सके हम फ़ायदा दे देंगे, जितना हो सके हम हेल्प करेंगे। जिस जगह भी हो, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एलएससीएस के, उनको ब्लड ही नहीं होता है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है, क्या करेंगे वो बेचारे, कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, 40,000 का ये होता है एलएससीएस, अगर हम प्राइवेट में देंगे क्यों नहीं बचाएंगे पैसा। मनने का, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ब्लड डोनेशन कैंप जो होता है, जिधर भी ये होगा, चाहे क्रीरी में होगा, चाहे सोपोर में होगा, हम आपके साथ साथ बैठे हैं, खड़ा बैठे हैं, और हम इंशाल्लाह रहमान अपना पूरा ताउन आपके साथ करेंगे, ब्लड डोनरों के साथ करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, डोनर जो होता है उसकी एक इज्जत होती है, अगर किसी के दिल में इज्जत हो ना हो, गुजर साहब के दिल के इज्जत बहुत होती है उनकी, मैं उनको हर वक्त रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनका एक कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है ब्लड डोनेशन में। सो आई रिक्वेस्ट एवरी डोनर्स, कम फॉरवर्ड, वी विल हेल्प। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट जो है इसमें आप क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरा नाम कैसर शाबान है, मैं चेयरमैन हूं केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट का। तो आज जो है आपने, जो हमारा जो कैंप हो रहा है अभी वागुरा में, बारामूला में जो हो रहा है, जिसमें हमारी जो टीम है, अगर टीम की बात करें हॉस्पिटल की, तो GMC बारामूला आया है। तो यहाँ अगर हम एम बोलेंगे, अगर हम एम की बात करें, मुद्दा और मकसद की बात करें, तो मुद्दा और मकसद यही होता है कैंप का कि एक अवेयरनेस की मैसेज होनी चाहिए, लोगों तक एक मैसेज पहुँचनी चाहिए, ताकि लोगों में जो डर और दहशत है ब्लड डोनर्स को, तो वो दूर होनी चाहिए। तो ये बताइएगा, अभी तक कितने पॉइंट जो है डोनेट हुए? अभी तक 30 पॉइंट्स डोनेट हो रहे हैं, इंशाल्लाह रहमान 3 बजे तक चलता रहेगा, इंशाल्लाह रहमान टारगेट हो जाएगा, इंशाल्लाह रहमान 100 से भी ज़्यादा हो सकता है इंशाल्लाह रहमान। अगर हम बात करें, दिन ब दिन कश्मीर में जो है सीए पेशेंट्स की तादाद जो है बढ़ती जा रही है, तो उन्हें प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इस हवाले से आपकी क्या मैसेज? इस हवाले से मैं यही एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मेम्बर है हमारा, जो हमारा जावेद साहब हैं, वो भी बारामूला का ही है, आपके बारामूला के डिस्ट्रिक्ट आई हैं वो, तो अगर उसकी बात करें हम प्लेटलेट के बारे में, तो उसने एक मंथ में 4 बार प्लेटलेट डोनेट किया है। ये जम्मू एंड कश्मीर का पहला डोनर, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो पहला डोनर हैं जो हमारे जावेद साहब हैं, 4 बार डोनेट किए प्लेटलेट एक महीने, जब इसको कुछ नहीं हुआ तो हमें क्या हो जाएगा। इसलिए मैं जो यूथ हैं, छोटी छोटी यूथ हैं जो प्लेटलेट के लिए, क्योंकि इसमें प्लेटलेट के लिए अगर हम प्लेटलेट की बात करें, प्लेटलेट में डॉक्टर साहिब पहले ही वेनस चेक करते हैं और उसके लिए CBC भी करते हैं, बाज़ाबता उसमें चेक होता है कि प्लेटलेट के लिए कौन अवेलेबल हो सकता है, कौन, पहले तो हमें अवेलेबल हर किसी को रहना है, फिर कौन सिलेक्ट हो जाएगा वो डॉक्टर साहब तय करता है और उनका CBC भी तय करता हूँ। इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूँ लोगों को, जो हमारी यूथ हैं जम्मू एंड कश्मीर को, यही कि आगे आओ, प्लेटलेट की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है हमें, तो वो कमी दूर करेंगे, हम ही दूर करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमें अभी काम ले रहा है, इंशाल्लाह मैं आपसे भी काम ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अगर मैं हूँ आज यहाँ, कल इरफान साहब होना चाहिए, इसी के बाद आसिफ साहब, बाकी साहब होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये तो चलाना है, तो इंशाल्लाह रहमान चलेगा।